ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास तौर से फैक्ट्री ओनर्स के लिए। एक मशीन में अगर लीकेज आया तो उसका लीकेज तीनों मशीनों को शॉर्ट कर देगा, आपकी जो सही मशीन थी वो भी खराब हो सकती है, और मशीन ज्यादा कीमती होती है तो लगभग कर देंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मार्स लाइट इंडिया में, और आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खास तौर से फैक्ट्री ओनर्स के लिए, जिनकी कारखाने हैं, जिनके कारखानों में मशीनें लगती हैं, उनके लिए बहुत जरूरी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, और ऐसे घरों के ओनर्स के लिए भी है जिनके यहाँ 500 वाट से ऊपर की मशीनें यूज होती हैं, सच एज एयर कंडीशनर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन वगैरह, ऐसे हाउस होल्ड ओनर्स के लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम अर्थिंग की विशेषता बताने वाले हैं, अर्थिंग की जरूरत बताने वाले हैं। देखिए, जो भी मशीन हमारी 500 वाट से ऊपर होती है उसको अर्थ की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 500 वाट से ऊपर कोई भी मशीन है तो अर्थ की रिक्वायरमेंट होती है। और खासतौर से इंडस्ट्रीज में जहां बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, वहां पे एक धारणा ये बनी गई है कि क्योंकि अर्थिंग कॉस्टली होती है तो लोग क्या करते हैं, जनरली सोचते हैं कि 2 या 3 अर्थिंग करा देते हैं और उसी से डिस्ट्रिक्ट से सबको जाकर के कनेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग कराई जाती है इसलिए ताकि मशीन में अगर कोई लीकेज है, भगवान ना करे, तो उस लीकेज को वो अर्थ कर दे। तो अगर मान लीजिए आपने एक मशीन, एक अर्थिंग से 3-4 मशीनें शॉर्ट कर रखी हैं, तो उस समय क्या होगा कि एक मशीन में अगर लीकेज आया तो उसका लीकेज तीनों मशीनों को शॉर्ट कर देगा, आपकी जो सही मशीन थी वो भी खराब हो सकती है, और मशीन ज्यादा कीमती होती है बनस्पत अर्थिंग के। तो वहाँ जरूरी है कि हम, ये जरूरी नहीं है कि आप कॉपर की महंगी वाली अर्थिंग कराइए, आप वहाँ पर छोटी अर्थिंग भी करा सकते हैं, नॉर्मल अर्थिंग करा सकते हैं मशीन के लिए। जैसे कि मेरे पास भी इस फैक्ट्री का, ये फैक्ट्री नई बन रही है सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल एरिया में, ऋषभ टेक्नोकास्ट, अभी रेनोवेट होकर दोबारा से चालू होने जा रही है ये यूनिट। तो यहाँ पे मेरे पास भी टास्क आया था 3 अर्थिंग का, तो मैंने सर को सजेस्ट किया कि सर नहीं, जो मैंने बातें अभी आपको वीडियो में बताई वही उनको सर को भी बताई, और क्योंकि वो एक जागरूक ओनर है, उनको लगा कि नहीं, ये बात सही है, तो बोले नहीं गो है, और 15 मशीनें हैं तो 15 अर्थिंग करो। तो यहाँ पर हमारा सुबह से आज काम चालू है 15 अर्थिंगों का, और अभी कितनी अर्थिंग कर चुके हैं भैया से पूछते हैं, भैया अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम संग्राम सिंह मौर्य है। और कितनी अर्थिंग कर चुके हैं? 7 अर्थिंग कर चुके हैं, अभी हमारी 8 अर्थिंग बाकी है करने के लिए। अर्थिंग का प्रोसीजर हम बता रहे हैं, ये देखिए, ये अपनी 2 मीटर की कॉपर बॉन्डेड रॉड है, मशीन की अर्थिंग के लिए सफिशियंट है। ये गड्ढा आपने कैसे किया है? बुग्गी से करते हैं सर। बुग्गी दिखा सकते हैं? वो देखिए उधर बुग्गी से गड्ढा हो रहा है। ये देखिए, इस बुग्गी से इस तरीके से मिट्टी काट काट के निकाली जाती है, ऑटोमेटिक आ गए इसको इसमें, और यही प्रोसेस होता है जब तक कि हमारा ये 8-8.5 फीट का गड्ढा ना हो जाए, है ना? जी सर, ठीक है। और जैसा भैया ने बताया कि वो सुबह से 7 अर्थिंग कर चुके हैं, यानी 7 गड्ढे हो गए, तो अब इसमें डालने जा रहे हैं ये केमिकल और ये रॉड। अब ये पानी और केमिकल एक साथ मिलाकर के इसमें डाला जा रहा है। ये गया केमिकल और पानी अंदर, और ये अर्थिंग कंप्लीट हो गई। जी सर, अब इसमें ये मिट्टी बची हुई डाल दी जाएगी? नहीं सर, मिट्टी नहीं पड़ती। मिट्टी नहीं डालेंगे तो इसमें अभी इसको कैसे भरेंगे? ये तो भर गया सर, इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे जी सर। बस, तो ये इस तरीके से अपनी अर्थिंग के इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही इस तरह से 15 अर्थिंग करेंगे, और कायदे से एक मशीन को 2 अर्थिंग की जरूरत होती है, एक उसकी बॉडी अर्थ करने के लिए और एक कॉमन अर्थिंग आप यूज कर सकते हैं जिससे सारी मशीनें कनेक्ट हो सकती है। तो इस तरह से आप जो दूसरी अर्थिंग होती है उसकी वायरिंग वाली अर्थिंग होती है, जो आप देखते हो आपके कोई भी हैवी इक्विपमेंट होता है उसमें 30 वाट आ रहा है, तो वो आप कॉमन कर सकते हैं, बट बॉडी अर्थ हर मशीन का इंडिविजुअल होना चाहिए, उसको कहीं शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग को हम कहीं शॉर्ट नहीं करते हैं, वैसे ही किसी भी मशीन की अर्थिंग दूसरी मशीन से शॉर्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, और घरों के लिए भी हमारा यही एक सजेशन रहेगा कि क्योंकि आजकल घरों में हम लोग हैवी इक्विपमेंट बहुत यूज़ करते हैं, हर घर में ओवन है, वॉशिंग मशीन्स हैं, और कई तरीके के ऐसे इक्विपमेंट है जिसमें 3 तार होते हैं, जब 3 पिन कंपनी लगा करके 3 प्लग टॉप में 3 पिन दे रही है, तो 3 पिन यानी अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, हर जगह होनी चाहिए। और अगर आपको अर्थिंग की जरूरत हो तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग सोलर सिस्टम से लगाते हैं, साथ में अर्थिंग्स भी कराते हैं, जैसे यहाँ पे करा रहे हैं 15 अर्थिंग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, धन्यवाद।